नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कैरियर से होंगे, मजे में होंगे, बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल दानिश करण 261। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्रिप्शन की घंटी बजा दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलते आगे, इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ की सीरीज चल रही T20 की। तीसरा T20 में तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव शो ने कमाल कर दिया। मतलब तिलक वर्मा जिस तरह बैटिंग कर रहा है ना, सुपर सुपर सुपर, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ क्लास, व्हाट अ टैलेंट ही इज। नो डाउट इसका टैलेंट तो IPL में ही नज़र आ गया था, लेकिन इंटरनेशनल सर्किट पर आके जिस तरह से तीसरे T20 के अंदर, पहले T20, दूसरे T20 और फिर तीसरे T20 के अंदर आके जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है, सीरियसली इज अ डेंजरस प्लेयर। मतलब कि टीमों को देखना पड़ेगा कि भाई ये अगर अपने फॉर्म में आ गया, अगर फॉर्म में खेले और जिस तरह से ये खेल रहा है, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बोलर्स टू जस्ट स्टॉप हिम, द स्टॉप इज बैड। बट इंडिया ने 7 रन से मैच जीत लिया। गायना पे मैच खेला गया था, टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने, पहले बैटिंग करी उन्होंने और पहलिंग बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने सिर्फ 159 रन स्कोर किए। इंडिया की तरफ से बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फ्रॉम कुलदीप यादव, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहा है। बिफोर द एशिया कप लुकिंग गुड, के स्पिनर्स आर कमिंग वेरी गुड। कुलदीप यादव ने 4 ओवर किए, 3 खिलाड़ी आउट किए, उसके अलावा अक्षर पटेल ने 1 खिलाड़ी आउट किया। यूवी चहल ने 4 ओवर 33 रन दिए, बॉल ग्रिप कर रहा था, ब्रेक हो रहा था, लेकिन यूवी चहल अगेन थोड़ा कभी कभी कोई मैच के अंदर इनको क्या हो जाता है पता नहीं, कि तेज़ गेंदें करना शुरू कर देते, लूप और फ्लाइट नहीं देते। जिस तरीके से कुलदीप यादव जो है फ्लाइट देता है, लूप देता है बॉल को ड्रिफ्ट करवाता है, वो यूवी चहल की कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। इनकंसिस्टेंस में बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर किए और अपना मुकेश कुमार ने आखिर में जाके 2 ओवर करके 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज़ आउट हो गई। इनके जो खतरनाक प्लेयर है निकलस पुरान, वो नहीं चले, इनको बड़ा ज़बरदस्त स्टम्प कराया कुलदीप यादव ने, सैंडू सैमसन ने स्टम्प किया। इट्स नॉट ईजी कि निकलस पुरान जिस फॉर्म में खेल रहा है, MLC के बाद से जिस फॉर्म उसकी लगी हुई है, इस फॉर्म में वो बैटिंग कर रहा है और उसको बिल्कुल बैम्बूजल कर दिया। बिल्कुल उसको समझ नहीं आया कि कौन सा बॉल था, वो समझे कि बॉल अंदर आएगा लेकिन वो बाहर निकला। बड़ा डिस्गाइज किया था कुलदीप यादव ने, बड़ा समझदारी के साथ डिस्गाइज किया था और मेरे ख्याल से ट्रैप किया था उनको, कि उनको पहले फंसाया और फिर वो अपना फ्रस्ट्रेटेड हो गया और उनको पता है कि 2 या 1 बॉल इनको डॉट भी मिल जाए ना, उसके बाद ये कुछ ना कुछ करता ही है। तो वही हुआ, कुलदीप यादव ने बड़ा अपने जहन का इस्तेमाल किया, बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंटली बॉलिंग कर रहा है T20 में और T20 ये एशिया कप में भी ही विल बी की फिगर, क्योंकि श्रीलंका में है। तो कुलदीप यादव के ऊपर काफ़ी भरोसा इंडियन टीम को कि ये हमें बीच में से ब्रेक थ्रू करके दे और हमें ब्रेक थ्रू की जब ज़रूरत हो तो कुलदीप यादव इज़ द मैन टू गिव द बॉल। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा इंडिया के लिए कि इंडिया के बॉलर्स जो है फास्ट बॉलिंग के अंदर अर्षदीप स्ट्रगलिंग अबेट, 3 में 33 दे दिया। आई थिंक अभी थोड़ा सी देखना पड़ेगा कि हर्षदीप के साथ जाना है, क्या फास्ट बॉलिंग की लाइनअप क्या होगी इंडिया की श्रीलंका के अंदर एशिया कप के अंदर, इनको ये सेटल करना है क्योंकि सेटल नहीं हो पा रहा है। मुकेश कुमार को क्या रखना है टीम के साथ, क्या सिराज को आपने एशिया कप से दूर कर दिया है, क्या उसको T20 नहीं खिलाना है, बहुत सारी सवाल है, उसके जवाब देने पड़ेंगे। सिलेक्शन कमेटी अजीत आगरकर इसी चीज़ को देख रहे होंगे कि यार प्लान क्या करना है, फास्ट बॉलिंग वैसे नहीं चल रही है, हमें शुरू में ऐसे बॉलर चाहिए जो अर्ली ऑन विकेट ब्रेक थ्रू करके दे, जो हमारे स्पिन बॉलर्स के लिए थोड़ा सी जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन यहाँ पर फास्ट बॉलिंग वैसा काम नहीं करके दे रही। कप्तान हार्दिक पांड्या शुरू में आके 1 आउट आउट कर जाते हैं, लेकिन यू नीड, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, यू नीड एनीवन एक्सप्रेस पेस लाइक मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज इन द लाइक्स टू कम अप इन द बॉलिंग और वहाँ कर आके तेज़ गेंदे करें। मेरे ख्याल से सिराज विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ द एशिया कप, क्योंकि यू नीड सिराज, यू नीड अ बॉलर हु बॉल्स क्विक, रैपिड, एक्यूरेट। वो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं एंड ही एज अ विकेट टेकर बॉलर, यू नीड अ विकेट टेकर बॉलर इन फ्रंट, क्योंकि जब से जसप्रीत बुमराह की इंजरी हुई है उसके बाद जो है इंडियन टीम जो है काफ़ी फास्ट बॉलिंग के अंदर ऊपर से विकेट लेने में नाकाम हो रही है और फिर मिडिल ऑर्डर में भी जाके विकेट नहीं मिल रही है। मतलब हर्षदीप कभी करते हैं कभी नहीं करते, इनकंसिस्टेंस रहते हैं। तो इंडियन बॉलिंग डिपार्टमेंट नीड्स टू लुक इनटू इट। फिर रिप्लाई के अंदर, जिस दिन सूर्य का चांद ऊपर होता है, सूर्यदेव ऊपर होते हैं और सूर्यदेव का जब दिन होता है तो सूर्यदेव सूर्य कुमार के ऊपर ऐसे आशीर्वाद आते हैं कि सूर्य कुमार 360 डिग्री पे जाके खेलना शुरू करता है। मुझे इस प्लेयर की, इसके लिए यार लोग मुझे बहुत कहते हैं कि यार हमेशा सूर्य कुमार कि यार वो कंसिस्टेंस नहीं है, वो कभी करता ही नहीं। मुझे कंसिस्टेंस की बात नहीं है, बात है फियरलेस क्रिकेटर की, बात है अपने शॉट को रोकता नहीं है, चाहे पहली बॉल को छक्के वाला बॉल हो वो छक्का ही मारेगा,
वो डरता नहीं है कि आउट होने से, कि यार मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा. मतलब दैट्स टाइप ऑफ अ प्लेयर आई लाइक, दैट टाइप ऑफ प्लेयर और इंटेंट जिसका इतना अच्छा होता है, वैसे प्लेयर को मैं बहुत पसंद करता हूँ. जिस तरह तिलक वर्मा हो गया, उनका भी इंटेंट बड़ा क्लियर है, उसको भी पहली बॉल मिल जाती वो मार देता है. मतलब कि ये प्लेयर्स ऐसे हैं, तिलक वर्मा, इवन जसवाल को मौका दिया गया ईशान किशन के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए. इसका ये मतलब नहीं कि जसवाल जो है T20 का प्लेयर नहीं है. अभी से लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, जसवाल T20 का प्लेयर नहीं है, ODI और ODI और टेस्ट क्रिकेट में इसको खिलाया जाए. नो डाउट उसने टेस्ट क्रिकेट में अपने आपको प्रूफ किया, वो T20 में भी प्रूफ करेगा. आपने IPL में इसकी बैटिंग देखी, जिस तरह बैटिंग करेगा थोड़ा टाइम दो यार. अभी तो पहला मैच खेला, अभी 2-3 मैच 5 मैच तो दो इसको, आप देखो कि कैसा जबरदस्त. ईशान किशन को मौके मिले, ईशान किशन ने वैसे तरह कैपिटलाइज नहीं किया, उनको मौका दिया गया लेकिन वैसा नहीं किया. संजू सैमसन के साथ भी वही है, इनको मौके दिए जा रहे कर नहीं रहे. अभी दो में से कोई एक ही होगा एशिया कप के अंदर. ईशान किशन का अभी पलड़ा भारी लग रहा है संजू सैमसन के ऊपर, क्योंकि संजू सैमसन से रन नहीं हो रहे फिर भी उसको मौके दिए जा रहे. आई होप ही गेट रन, इज अ फंटास्टिक प्लेयर. बट यशवाल नो डाउट ही इज अ सुप्रीम प्लेयर. मतलब कि अभी तो आप साई सुदर्शन को इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हुए देखोगे बहुत जल्द. मतलब ये जसवाल है, अनफॉर्चुनेट कल आउट हो गए एक ही रन बना के, पहले ही ओवर के अंदर ही चले गए. लेकिन शुभमन गिल इज स्ट्रगलिंग एज वेल बिग टाइम बिफोर द एशिया कप, नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन बैटिंग ऑर्डर. क्योंकि शुभमन गिल रन नहीं करता है, शुभमन गिल बाहर भी हो सकते हैं, रोहित शर्मा ने आना है, विराट कोहली ने आना है अभी टीम के अंदर. आई थिंक अगर ये रन्स नहीं करेंगे, ये लड़कों को जितना मौका दिया जा रहा है तो ये बाहर होते जाएंगे. और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, आपको बेस्ट इलेवन टीम उतारनी पड़ेगी एशिया कप के अंदर. क्योंकि बहुत हो गया कि बायलैटरल सीरीज तो आप जीतते रहते हैं, लेकिन जब नॉकआउट के सीरीज आती है, स्टेजेस आते हैं, वहाँ पर टीम लड़खड़ा जाती है. तो वहाँ पर यू नीड समवन कि भाई ये नहीं चलेगा, हमें वी नीड टू चेंज द गियर्स इनटू समथिंग डिफरेंट. तो शुभमन गिल भी साहब नहीं चल रहे, लेकिन सूर्य कुमार यादव की 83-44 बॉल में 4 छक्के 10 चौके 188 का स्ट्राइक रेट, क्या बात है. सूर्य कुमार यादव क्रीज पे होता है ना तो भरोसा होता है टीम को कि यार सूर्य कुमार है, ये अकेला ही सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा. और सूर्य कुमार यादव जब तक क्रीज से मौजूद होता है ना, तो सामने वाली टीम को भी यही प्रेशर होता है, इसने अगर 15-20 रन कर दिए तो उसके बाद ये गेम का पासा पूरा का पूरा पलट देगा. और ऐसा ही करता ही है. और कल भी बॉल अच्छा खेला, तिलक वर्मा के साथ जबरदस्त बैटिंग करी. नो डाउट अल्जारी जोसेफ ने उनको आउट किया, लेकिन तिलक वर्मा के 49 रन वॉज सुपर्ब डिलिश. मतलब क्या, एक्सेलेंट बैटिंग फ्रॉम तिलक वर्मा, सच अ ग्रेट टैलेंट ही इज. और मजा आ गया, हार्दिक पांड्या ने 20 तरह से इंडिया ये मैच 7 विकेटों से जीत ली. दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है भाई, और ये स्क्वाड है अफगानिस्तान के लिए और एशिया कप के लिए ये स्क्वाड अनाउंस हुआ हुआ है. तो अगर स्क्वाड की अगर बात करें, इसमें कोई इतनी ज़्यादा चेंजेस तो हमें देखने नहीं मिलती है. बाबर आजम ही कप्तानी करेंगे चेयरमैन, तो जका अशरफ साहब ने क्लियरली कह दिया कि जो स्टाफ है और जो कप्तान है वो वर्ल्ड कप तक यही रहेंगे. तो बाबर आजम विल लीड द साइड. अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि टीम अच्छी बनाई है सेलेक्टर्स ने, अच्छा एक पूरे उन्होंने देखा, कॉम्बिनेशन देखा, सबको मौके दिए. शान मसूद इस टीम का हिस्सा नहीं है, बट बिल्कुल सही है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी. लेकिन फहीम अशरफ आया है टीम के अंदर, उनकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस रही है, तो फहीम अशरफ को डाला गया है. ये पाकिस्तान खेलेगी अफगानिस्तान को श्रीलंका के अंदर, सीरीज खेलेगी, 3 ODI की सीरीज है, फिर एशिया कप है. तो स्क्वाड पर ज़रा नज़र मारते हुए देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक एक्सेलेंट, क्योंकि ज़बरदस्त प्लेयर है. फहीम अशरफ ऑलराउंडर है. फ़कर जमान गुड. हारिस रऊफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, ही इज़ अ फंटास्टिक टैलेंट. इफ्तिकार अहमद बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है, सीनियर प्लेयर है, बीच में आके उसको पता है उसका रोल क्या अदा करना है. इमामुल्ला कंसिस्टेंस खेल रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है. मोहम्मद हारिस है यंगस्टर, विकेट कीपर है, जो मोस्ट लाइकली आप इसको अभी टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी सेकेंड विकेट कीपर के तौर से देखोगे. मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर बैटिंग नीचे से आके कर लेते हैं. मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर भी है मोस्ट लाइक और वाइस कैप्टन भी है. मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी ऑलराउंडर इनको कहलाया जाता है, फास्ट बॉलिंग करते हैं. नसीम शाह एट द रोल यंगस्टर है, मतलब 140 क्लिक्स पे करता है, यू नीड हिम. फिर उसके बाद सलमान अली आगा, पार्ट टाइम बॉलर है, बैटिंग नीचे से आके बड़ी ज़बरदस्त करता है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट में, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए आ रहा है. अभी तैयब ताहिर है जो यंग टैलेंट है, जो अभी यंग टीम गई थी पाकिस्तान की एशिया कप खेलने, एशिया कप वहाँ उन्होंने जीता, वहाँ तैयब ताहिर ने शानदार बल्लेबाजी की थी और आई थिंक ही शुड बी इन द टीम और वो टीम के अंदर है. बिल्कुल सही सिलेक्शन, शाहिन शाफरी दिए, शादाब खान है, सऊद शकील है, एक ऐसा प्लेयर सऊद शकील जिस पे मिडल ऑर्डर के अंदर काफ़ी एतमाद हो चुका है कोच और कप्तान को कि ये मिडल ऑर्डर को संभाल सकता है. और उसके बाद जो है उसामा मीर अ सेकेंड लेग स्पिनर इन द स्क्वाड. आई थिंक काफ़ी तगड़ा स्क्वाड है पाकिस्तान का, गुड स्क्वाड है. अभी इसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया
अपना एशिया कप का टीम के अनाउंसमेंट कब करती है वो देखते हुए, नज़र में देखते हुए कि दो लेग स्पिनर उन्होंने रखे हुए, उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, फास्ट बॉलर की बैटरी भी अच्छी खासी है, तो इंडिया क्या स्क्वाड बनाती है तो वक्त आएगा तो दिखाएंगे, पता चलेगा जब अजीत अगरकर कप्तान और कोचेज बैठ के बैठेंगे और अपना टीम को डिसाइड। आई थिंक दे नीड अ इंटेंट प्लेयर जो तेज खेलने वाले हो, तेज बॉलर हो, इंडिया नीड टू पुट अप अ गुड टीम। बट पाकिस्तान की ओवरऑल बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए टीम अच्छी है, इसमें लोगों ने अगर लोगों को नाराज़ किया तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से कोई और प्लेयर की जगह बनती थी इस टीम के अंदर। आई थिंक इट्स द बेस्ट टीम दे हैव पुट ऑन द पेपर एंड दे नीड टू जस्ट परफॉर्म। सो गाइज आपसे लूँगा यहाँ अलविदा, होती है बहुत जल्दी मुलाकात, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वेदर चेंज हो रहा है, पानी वगैरह पीते रहे, अपने आप को हाइड्रेट रखे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।